एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होगी। वेलकम टू न्यू ब्लॉक। सुबह के 6 बज चुके हैं, ये और मैं उठ गए हैं क्योंकि 9 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमें कम से कम यहाँ से 7:30-8 निकलना पड़ेगा। बस हम नहा धो के तैयार हो रहे हैं मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद। सुबह सुबह के ये 7:30 बज गए हैं, ब्रेड पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मैं और ये नाश्ता कर रहे हैं और ये साथ में चाय पी रही है। बिना ब्रेड पकौड़े की चाय ना हो तो मजा नहीं आता। और मेरी चाय भी ये पड़ी है। बस हम ब्रेड पकौड़े खा के फटाफट दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बस हमारी जाने की तैयारी हो गई है। एक ही बैग लेके आए तो वही है, एक ये है बॉटल्स वगैरह पानी की यहाँ से ले ली है, और एक बैग है जो पूरा का पूरा छोटा सिर्फ प्रसाद का बना हुआ है, ये प्रसाद का ही बैग बना लिया है। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो अपने ऑटो कर लिया है और रेलवे स्टेशन की तरफ। मेरे सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा, अब साईं बाबा के यहाँ से हम निकल पड़े हैं। अब हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर। दिल तो नहीं कर रहा जाने का, मगर टिकटें बुक है, जाना तो पड़ेगा ही। चलो आप भी साईं बाबा। जय साईं राम। सोनों की ट्रेन हमारी 8:00 9:00 बज चुके हैं। हम स्टेशन पे आ चुके हैं। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका है क्योंकि जो गोवा एक्सप्रेस है वो आने वाली है, उसका 9:15 का टाइम है, तो हमारे को भी आधा घंटा पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा रश है। हम पहुँच गए, हम अपना वहाँ से नाश्ता करके यहाँ आराम से आधा घंटा पहले पहुँच गए। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और ट्रेन चल चुकी है, जबकि 9:15 की ट्रेन थी वही 9:30 बजे चली है। 10-15 मिनट लेट है मगर फिर भी चल पड़ी है। हम शिरडी गए थे तो वहाँ पर हमें 5 सब्सक्राइबर मिले थे, जो 5 अलग अलग जगह से थे, जैसे MP से, जलंधर से, दिल्ली से और चंडीगढ़ से, एक और दिल्ली से थे, वो हमें सब्सक्राइब मिले थे। वो बहुत खुश हो गए हमें देख के कि चलो कि हम वहाँ मिल गए। कहते आंटी हमने आपका ब्लॉग देखा था तो हमें पता था आप शिरडी जा रहे हो, बस हम यही प्रे कर रहे थे कि आंटी आप हमें मिल जाओ, मगर वो हमें मिल ही गए थे, जो MP वाली थे सारे ही मिल गए थे। और एक तो वहाँ पर मिले थे साई तीरथ में, वो चंडीगढ़ से। ये कॉपर गांव से जैसे ही निकलो थोड़ी सी दूरी है, 15-20 मिनट की दूरी पे ये जो पहाड़ है इसे थम हिल वाला पहाड़ कहते हैं। ऐसे थम बना हुआ है, मड़वा स्टेशन के बिल्कुल थोड़ी सी पास ही पड़ जाता है। अभी सुबह के 11:30 बजे हुए हैं, वो ललता आराम से सोई हुई है सुबह के टाइम, जबकि घर में होती है तो काम करती है ललता। क्या बात है, आप सुबह सुबह सो रही है? झाड़ू पोछा बर्तन करूँ तो सोई सोएगी यहाँ और क्या, सुबह सुबह गाड़ी में कोई करना क्या, कोई काम नहीं है? नहीं। अभी हमने एक कॉपर गांव में ये भैया गरम गरम बिल्कुल तल रहे थे, हम तो वहाँ अपने जो साईं भवन था वहाँ से ब्रेड पकौड़े खा के आए थे और ये हमने यहाँ से ले लिए थे 4। इतने ठंडे हो गए। हरी मिर्च है साथ में, हरी मिर्च लाल हो गई है, लाल ही थी, और अब खा ही नहीं जा रहे, बहुत ठंडे हो गए हैं। अब करें क्या, हम खाना तो है ही कुछ ना कुछ, अब ये खा रहे हैं। अब रात को देखेंगे जो आते हैं पर्चा दे के जाते हैं, उसके बाद घंटे डेढ़ घंटे बाद खाना दे के जाते हैं, थाली को ले लेंगे रात को। इटारसी में आएगा, पता नहीं क्या आएगा, जहाँ भी आएगा वहाँ ले लेंगे। रात के 9 बज गए हैं और हमने ये वेज थाली ली है, जिसमें दाल, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज अचार और एक मिठाई का टुकड़ा, परांठे, दही, ये सब है। उन्हें रात को एक ही थाली ले ली है, बस यही खा के सोते हैं, ज़्यादा सफ़र में खाया नहीं जाता। 6:30 बज गए हैं, ट्रेन हमारी यहाँ आके रुक गई है, अब हम उतर गए हैं और हम जा रहे हैं घर की तरफ। 7:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। हमने मतलब वो पकड़ लिया है, ओला पकड़ लिया है। ललिता अपना प्रसाद वगैरह की तैयारी कर ले, सबको प्रसाद देना है और अलग अलग बांट ले, जैसे जैसे बांटना है। वही लिफाफे बना रही हूँ सबके, सोनिया डॉली वगैरह को सबको दे दिया, सबके बना रही हूँ, सबके अलग अलग कर लियो, ठीक है ना? हाँ, कर जिसका जैसा जो लिफाफा बना हुआ है। ये देखो, ये अच्छी लग रही है ना? ये अच्छी लग रही है ना? वो ये तभी तो ली थी, अच्छी लग रही थी, किसी ने मंगवाई है। ये साईं बाबा जी की ये जो फोटो है कितनी अच्छी है, हमारी दुकान पे भी है ना? पहले ये ना किसी ने मंगाया, पहले मेरी बात सुन, मत लो। मैं बोल रही कि देखो, पूछ आप चले जाते हो 3-4 दिन, पूछ इतने ड्रामे करके, आप मतलब
एक दाना नहीं खाया। मालूम है तूने मुझे बोला था फोन करके कि खाना नहीं खाया। मैं आपको वीडियो ही भेजी थी, एक दाना नहीं खाया यार उसने खाने का। तुम तीन तीन चार चार दिन उठ के चले जाते हो, देख लिया करो आगे पीछे। उठ के चले जाते, ढाई साल बाद मैं शिरडी गई हूँ, 2019 में गई थी मैं, ना 20 गई हूँ ना मैं 21 गई हूँ। अब ये कोको तो चक्कर में तो जा रही है, तो ट्रेन में डॉग्स अलाउड होते, ले जाते पूछियो ट्रेन में तो डॉग साईं बाबा के कभी अलाउड होते, उधर लेके जाऊं साईं बाबा, ले जाओ बाबा। फोन फोन तो अलाउड है नहीं, साईं बाबा के कुत्ते अलाउड है, तो अजीब बातें करती है ये यार। एक बार देखो उसको अभी भी इसने इसने अपना ड्रामा भी चालू कर दिया। नहीं तो पागल है, बेवकूफ है, कुत्ते को लेके जाता है ट्रेन में। तो एक बात बता लो, कुछ खाना ही नहीं खाती भाई। नहीं खाती तो प्यार से हाथ से खिला रहे हाथ से को खिलाया चाहती ना, तब कोई बात नहीं। तू किस ऐसे से करती है उसके, कोई बात नहीं। मार झाड़ू मारो तू हाथ से खिलाई, तू क्या जान जाती, मैं शिरडी ना जाऊँ। मैं चीना चीना का ये काम है, ड्रामा करने का काम है। हाँ तो आप जाओगे तो पूछी को लेके जाना, कोको ठीक है यार पूछी, और वो से काटती है, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ सुलाओ से काटती है। तो यार कभी नहीं काटती, सबको पता है। अरे काटती है, खिलाने से क्या काटती है। तो ये देखो ना, काटा था भाई मेरे को इसने, ये मैं पता एक बात बता रही हूँ, जब से इसका ऑपरेशन हुआ ना मुझे तो तू पागल नजर आ रही है, वो पागल नहीं है। और मुझे सारी हाँ। तो आते हैं, मम्मी ने चावल बना दिए हैं, कोई सब्जी कोई कुछ नहीं। अरे थकी पड़ी थी ना मैं, चलो क्या करती, आते इतनी आई हूँ, थोड़ा काम को मोता, देखो कपड़े कपड़े वगैरह सारे समेटा समेटी की सब कुछ की दिक्कत है। फटाफट मैंने सोयाबीन और आलू और ये क्या है मटर वाला चावल बना दिया। बाकी आपको समझ आया, पूछी को लेके जाने आज के बाद से? हाँ पूछी को साथ ले जाऊंगी। YouTube फैमिली से पूछ कि पूछी को हम भी कहीं तीर्थ मतलब स्थान पे जाए तो पूछी को ले जाए। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि पूछी कोको को साथ ले जाओ, इनको छोड़ जाओ। हाँ इनको क्या, इनको भी लेके जाओ। हाँ वहां जाके पट्टे में हम खुद अपने ऊपर पट्टा बांध के बैठ जाए, यही करें। ये बैग लो, चलो रखो सारे बैग में। जब मैं आती ट्रिप से कैसे पीछे पड़ जाते हो ना मेरे, रख 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 बैग रख बैग रख बैग फटाफट रखो। हाँ तो रखने लगी हूँ, बैग है ये सामान है ये सारा प्रसाद है मेरे, तो आप उसी दिन पीछे पड़ जाते हो, बैग रख रख रख। मैं भी आज रख दूंगी, टेंशन ना ले, मेरे पीछे मत पड़ बेमतलब के पागलों जैसे। आते पांच दिन बाद आई हूँ, बंदा बच्चे खुश होते हैं कुछ है। चलो ये नहीं, मैं सुबह में होगी खुश, सुबह में होगी खुश। हाँ लेकिन अब टाइम है कंप्लेंट्स का भाई, पूछी को लेके जाओ। हाँ अरे बहुत तंग करती है यार, वो खाती पीती नहीं है ये ना, वो और पता है उदास इतनी ज्यादा हो जाती है ना, पता क्या मेरे बिना उदास हो जाती है। हाँ वो बहुत ज्यादा उदास, डिप्रेशन में चली जाएगी और ग्लूकोज चढ़ जाते हैं उसको, फिर चढ़ रही थी। अब मुझे तो ग्लूकोज तुझे डराना लग रहा है कि तू डिप्रेशन में मुझे डाल रही है, तो मेरे को ग्लूकोज क्यों चढ़ना फिर, आप कुछ भी बोल रही है। हाँ तो मुझे चढ़ जाएगा, कह रही है तेरे को ग्लूकोज चढ़ने में लग रहा है, तू फिर डिप्रेशन में डाल रही है। मेरे को चढ़वा गए, इसके मन में आ गया जो ये वही बोल रही है। हाँ खाना खाओ शेटी, मैं तो बोल नहीं रहता, यहाँ क्यों बोल रहे हो घर आके। चलो चलो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, ओके बाय टाटा।